मुंबई सेंट्रल DRM ऑफिस पर शिवसेना का विशाल मोर्चा। दहिसर पूर्व में रेलवे की तोड़क कार्रवाई का महिलाओं ने किया कड़ा विरोध। दहिसर पूर्व में स्थित पुष्प विहार कॉलोनी रेलवे से सटी हुई है, जो वर्षों पुरानी बस्ती है, लेकिन पश्चिम रेलवे विभाग के अधिकारियों ने बिना शिफ्टिंग दिए ही 27 और 28 अक्टूबर को 40 से अधिक रूम तोड़कर गरीब परिवारों को बेघर करने का काम किया है। अभी रेलवे विभाग 700 से अधिक रूम और तोड़ने वाली है, जिसके कारण आक्रोशित नागरिकों ने शिवसेना के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 2021 को मुंबई सेंट्रल DRM ऑफिस पर अपने घरों को शिफ्टिंग देने की मांग को लेकर बड़ा मोर्चा निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। यह मोर्चा शिवसेना विधायक विलास पोतनीश, शिवसेना नगर सेवक हर्षद कारकर, शिवसेना नगर सेवक भास्कर खुरसंगे, शिवसेना महिला नेता दीक्षा हर्षद कारकर के नेतृत्व में दहिसर पुष्प विहार कॉलोनी, अम्बावाड़ी, साईनाथ नगर, दौलत नगर के पीड़ित नागरिकों के हक में निकाला गया था। आपको बता दे, मुंबई सेंट्रल में शिवसेना नेताओं का शिष्टमंडल ADRM अवनीश वर्मा और सीनियर इंजीनियर सुधीर दुबे के हाथों में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिवसेना विधायक विलास पोतनीश से फोन पर बात किया और आगे तोड़क कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है। अच्छा मोर्चा बद्दल पहली गोष्ट म्हणजे दिवाळीच्या तोंडावर जी आमच्या लोकांची घर तोडलेली आहे त्याच्यासाठी आम्ही DRM चा, GM चा आणि पूर्ण पश्चिम रेल्वेचा निषेध करतो। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी की जर तुम्हाला तोडक कारवाई करायची नव्हती तर तुम्ही ती का केली? आणि जेव्हा आमचा आज या लोकांचा राग बघितला तेव्हा तुमची तोंड गप्प झाले आणि तुम्ही शांत झाले। तर सर, त्यांना पहिले तर पश्चिम रेल्वेला हे सांगू इच्छिते की जर पळक आमच्यावर तोडक कारवाई झाली तर आम्ही इथे येऊन राहू, पश्चिम रेल्वेच्या बिल्डिंग मध्ये आम्ही येऊन राहू, आमची लोक येऊन राहतील आणि माझ्या सर्व महिला नवदुर्गाचा रूप घेतील आणि एकेकाला फाडून टाकतील घरासाठी, ही मी इकडे आज आश्वासन देते। आपले सन्माननीय खासदार गजानन कीर्तिकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमचे सन्माननीय आमदार, आमचे विभाग प्रमुख विलाजी पोतनी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज हा मोर्चा इकडे आम्ही घेऊन आलो होतो। आपल्या रेल्वे कॉलनी जी पुष्पविहार कॉलनी आहे तिकडचे जवळजवळ 40 झोपडे तोडले गेले रेल्वे प्रशासनाकडून। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की ती जागा रेल्वेची आहे, तुम्ही खुशाल घ्या, पण आमची जी तिथे लोकं वसलेली आहेत गेले 30 ते 40 वर्षापासून त्यांना घर द्या आणि त्यांचं स्थलांतर करा। कारण की सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींची ती एक योजना आहे, पंतप्रधान आवास योजना, त्याच्यामध्ये तुम्ही एक नवीन पॉलिसी बनवा, त्या पॉलिसी अंतर्गत आमच्या लोकांना तुम्ही घर द्या आणि नंतर तुम्ही जागा घ्या, तिथे काय प्रोजेक्ट करायचं असेल, तुम्हाला काय गोडाम बनवायचं आहे, काय रेल्वे प्रशासना अंतर्गत काही तिथे करायचं असेल तुम्ही करा, पण आमच्या लोकांना न्याय द्या आणि लोकांना घर द्या। लोकांना असं बेघर करणं हे चुकीचं आहे आणि जी काही कारवाई झाली 27 तारखेला त्याचा आम्ही कडक शब्दात निषेध करतो। आणि DRM साहेब आणि GM साहेब यांना फक्त एकच विनंती करतो की आमच्या लोकांवरती जो अन्याय झालेला आहे त्यांना आता घर द्या। आमचे आता विलास पुतनी साहेब आहेत आणि कीर्तिकर साहेब आहेत, त्यांच्यामार्फत आम्ही सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे जे आपले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहे यांच्याकडे सुद्धा एक बैठक आयोजित करण्याचा आमचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। तर लवकरच ती बैठक आयोजित करून काही त्याच्यातून निकाल येईल त्याच्यावर आपण लोकांना न्याय देऊ। आम्ही अवघ्या शिवसेनेच्या वतीने, विलास पोतनीस साहेबांच्या वतीने आणि गजानन कीर्तिकर साहेबांच्या वतीने आपल्या या सगळ्या रहिवासींना मी शब्द देतो आणि शिवसेना जनतेसाठी धावून येते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे। कारण की शिवसेना ही न्याय हक्कासाठी लढणारी एकमेव संघटना आहे जी महाराष्ट्रात सगळ्यात मोठी आहे आणि आम्हाला गर्व आहे त्याचा। ये जो मोर्चा था वो दहिसर बोरोली के सब हमारे रहिवासी झोपड़पट्टी में रहने वाले और रेलवे के पटरी के ऊपर गए 40-50 बरस रहने वाले ये सब रहिवासी आए, उनके ऊपर 2 दिन के पहले रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस वाले ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी और उनके सब झोपड़े 30 झोपड़े उधर से थोड़ा कार्रवाई उनके ऊपर कर दी थी और उसके खिलाफ उसका निषेध करने के लिए हम लोग इधर आए थे। ये कार्रवाई करने का हमारे ये, लेकिन हमारे जो खासदार सांसद गजानन कीर्तिकर उनके साथ जनरल मैनेजर का चर्चगेट में मीटिंग हो गया था, तब ये DRM साहब भी वो टाइम उधर प्रेजेंट थे और उधर ऐसा तय हो गया था कि जब तक ये सब हमारे सांसद दिल्ली में रेलवे मंत्री के साथ बात करेंगे, उसके साथ कुछ उनका जो अड़चन है, वो जो कुछ उनकी तकलीफ है वो बताएंगे और कुछ पॉलिसी बनाएंगे,
और उसके बाद जो कुछ करने का जो डिसीजन हो जाएगा उसके बाद अगर आपको ये करेगा जो सेफ्टी लाइन है उधर तक तोड़ने के लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये सब होने के बाद वो लोगों ने तोड़ दिया था, वो करने के लिए हम इधर आए। आज भी अवनीश वर्मा उसने जो ए डी आर एम है उसने हमारा डी आर एम के साथ बात करके दिया है और डी आर एम ने हमको शब्द दिया है कि हमको मालूम नहीं था, लेकिन उसके आगे ये कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी 2008 में भी एक बैठक हुई थी, बिलासराव सीएम थे उस समय, डीआरएम सभी लोग उपस्थित थे, सीएम के साथ मीटिंग हुई, रोक लगी थी बाबूजी, इसके बार बार ऐसा क्यों होता है? ऐसा है कि तभी भी 2008 में मुख्यमंत्री बिलासराव देशमुख जी ने तभी स्टे दिया था, उसके बाद कार्रवाई रुक गई थी, लेकिन अभी फिलहाल वापिस पिछले 15 दिन पहला रेलवे ने नोटिस लगाई कि वापस तोड़वाई की कार्रवाई होने वाली है। तभी मैं हर्षद, माननीय विलास पोतनी जी साहब इनके आदेश से और माननीय खासदार गजानन कीर्तिकर साहब इनके साथ में हमने मीटिंग ली थी जीएम साहब के पास, और इसके पहले भी हम आदित्य ठाकरे जी को मिले थे, उन्होंने भी कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने 27 और 28 तारीख को कार्रवाई की है। ये इसके निषेध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और आज माननीय विलासराव पोतनी साहब जो हमारे विभाग प्रमुख है, आमदार है, इनके नेतृत्व में आज हमने मोर्चा निकाला, और आज यहाँ पर जो आदेश हुआ है कि जब तक सर्वे नहीं होगा, हमारी मांग यही है कि सबसे पहला तो सर्वे कीजिए, सर्वे करने के बाद जो एलिजिबल है महाराष्ट्र शासन के जो नियम है उस नियम के अंतर्गत 2000 तक के जो झोपड़े हैं उनको पहला उनके घर के बदले में घर दिया जाए। जमीन रेलवे की है, लेकिन हम कहाँ बोलते कि हमें रेलवे की जमीन दे दो, आप आपकी जमीन ले लो, लेकिन हमें जो 40-40 साल से यहाँ बसे हुए लोग हैं उनको पहला घर देना चाहिए, फिर आपकी जमीन ले लो, यही हमारा इनसे निवेदन है, और ये होना ही चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र शासन की पॉलिसी। और उसी तरह हर्षद जी ने भी बताया कि माननीय पंतप्रधान जी आवास योजना है उनके तहत भी घर के बदले में घर देना चाहिए, ऐसा उसमें भी जो 10.3 जो कलम है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो पंतप्रधान आवास योजना के अंतर्गत घर दो या महाराष्ट्र शासन के योजना के अंतर्गत घर दो, जब 2005 में MUT के अंतर्गत सबको घर दिया था उसके बाद में उन्होंने तोड़ने की कार्रवाई की थी, वैसा ही कोई भी अपने पास जो भी नियम है उस नियम के अंतर्गत हमें पहला घर दे दो उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई करें, यही हमारी डिमांड है, और ये हमको मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो हमारे आंदोलन चालू रहेगा।